हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, स्पेशली फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट SMP यानी कि बेस्ट स्टडी मास्टर प्लान फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, सेम इसी प्रकार का एक स्टडी मास्टर प्लान और हम लोग ने एक एग्जाम स्ट्रैटेजी जो है वो 7th, 8th, 9th, 10th स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बना दिया था, जो कि शायद कल ही मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आपने अगर नहीं देखा है, यानी कि आप अगर छोटे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, कोई 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के स्टूडेंट हो, तो इसके पहले के दिन वाले वीडियो जाके देख लेना। हमने अच्छे से अपलोड किया, उसमें पूरा डिटेल में बात की हमने किस प्रकार आपको आगे की तैयारी करनी है, स्कूल्स ओपन हो गए हैं उसके बाद क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन ये जो वीडियो है ये स्पेशली 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, बाकी स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन स्पेशली जो मैंने टारगेट किया है वो है 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट इस वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यार क्या क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, क्योंकि देखो यू आर इन 11th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड जो होता है ना वो क्या होता है, बेस होता है। और बेस होने के साथ साथ क्या होता है कि ये आपका एक फाउंडेशन बिल्डअप करता है। और जब आप 11th में जब जाते हो तो आपको बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स भी देखने मिलते हैं, तो किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एग्जाम के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, ये सब आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें और साथ में आपको पता चलेगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों कि ये जो वीडियो है ओनली फॉर साइंस स्ट्रीम होने वाला है, यानी कि जो बच्चा 11th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम जिसने चूज किया है, आपको पता होगा कॉमर्स होता है, साइंस होता है, आर्ट्स होता है, तो कॉमर्स और आर्ट के लिए अभी हम लोग नहीं ला रहे हैं। कॉमर्स और आर्ट्स के लिए मे बी इन द फ्यूचर हम आपके लिए वीडियोस बना देंगे, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, मैं कुछ ना कुछ करूंगा आपको के लिए। लेकिन ये जो हमारा मेन जो टारगेट होता है वो साइंस के बच्चों के लिए होता है। तो साइंस स्ट्रीम के बच्चे के लिए आप जानते हो कि जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये चार सब्जेक्ट जो होते हैं ये सबसे मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा भी जो होता है वो होता है इंग्लिश आपका, और दूसरा होता है आपका कोई भी अदर लैंग्वेज, यानी कि हिंदी हो सकता है, मराठी हो सकता है, या फिर अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूज किया हुआ है, आईटी चूज किया हुआ है, तो वो हो सकता है। इसके अलावा मैकेनिकल मेंटेनेंस होता है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस होता है, तो ये सब कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स है जो हम इस स्ट्रीम में इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, यानी कि साइंस स्ट्रीम में कंसीडर नहीं करते। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये चार ही होते हैं, एंड इसके हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा यहां पर लिख के रखा है मैंने, 11th स्टैंडर्ड इज द बेस ऑफ ऑल करियर, करियर बोला है मैंने, करियर समझ में आ रहा है, यानी कि आपका जो करियर होगा वो कौन डिसाइड करेगा, आपका 11th स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा। आप बोलोगे सर क्या कुछ भी बोल रहे हो, अरे यार कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर आपने साइंस सब्जेक्ट चूज किया, यानी कि साइंस स्ट्रीम जो है 11th स्टैंडर्ड में चूज किया है, मतलब आपका एक गोल क्लियर होगा कि आपको फ्यूचर में या तो इंजीनियरिंग करना है, या तो आपको BSc करना है, या तो आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है ना। ऐसे ही रेगुलर कुछ कोर्सेस होते हैं, 3-4 और हैं, मैं लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन मेनली यही 3 होते हैं सबसे ज़्यादा। मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा कि मुझे ये 3 चीज़ में से ही कुछ ना कुछ करना है, यानी कि आपने अपना करियर जो है वो दूर से देख लिया है, आपने अपना करियर दूर से देख लिया है। और अगर आप हमारे सेकंड चैनल जो JR टॉक से, आप जानते होंगे हमारा जो दूसरा चैनल है JR टॉक, जिसमें हम ऐसे ही मोटिवेशन और करियर गाइडेंस के वीडियोज डालते हैं, तो अगर आपने हमारे वीडियोज़ के चैनल देखे होंगे जाके सेकंड वाले, तो आपको पता चला होगा कि हमने बहुत सारे कोर्सेस और बहुत सारे आगे के करियर के बारे में वीडियो ऑलरेडी बनाए। मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा कि फ्यूचर में मुझे क्या बनना है, एक तो होगा, और नहीं होगा तो ये गलत चीज़ है, आपके मन में अभी से ही आना चाहिए, 10th करने के बाद ही आपके मन में आ जाना चाहिए, एक छोटा मोटा हल्का सा एक विजन आ जाना चाहिए कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, BSc करना है, साइंटिस्ट बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, एरोप्लेन उड़ाना है, पायलट बनना है, जो भी है दोस्तों, लॉयर बनना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा कि देर आर बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, देर आर सो मेनी ऑप्शन, और ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाई करने के बावजूद आप कोई दूसरे करियर में नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, उसकी बात कभी और करेंगे। लेकिन हम कहने का मतलब है कि आपने कुछ करियर जो है वो सोच के रखा होगा ऑलरेडी, और अगर आपने करियर सोचा होगा तो आपका मेन फाउंडेशन कौन रखेगा, 11th स्टैंडर्ड, और 11th स्टैंडर्ड में कौन रखेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दे दो, जैसे कि आपको इंजीनियरिंग में अगर जाना है तो आप जानते होंगे इंजीनियरिंग में जाने के लिए आपको नीट का एग्जाम, माफ करना, नीट को तो बायो इसके लिए होता है, इंजीनियरिंग में जाने के लिए JEE का एग्जाम आपको मैंडेटरी देना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। विदाउट नीट JEE एग्जाम भी जा सकते हो, बहुत सारे हमारे टाइम में भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ऑफलाइन एडमिशन ले लिया, पैसे भर के एडमिशन ले लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप पैसे भर के एडमिशन लो तो आपको अच्छे कॉलेज मिले। और बहुत सारे लोग तो IITs के लिए ट्राई करते हैं, आप जानते हो कि अगर आपको इंजीनियरिंग में बहुत ही ब्रिलियंट करियर बनाना है, बहुत ही बड़े बड़े कंपनी में काम करना है और बहुत ही अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको IIT, NITs वगैरह कॉलेज चूज करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको JEE का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, आप सब जानते हो। और अगर आपको JEE का एग्जाम क्लियर करना है
तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स निकालने पड़ेंगे, और बहुत ही अच्छे मार्क्स निकालने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीन सब्जेक्ट जो है PCM बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तीन सब्जेक्ट में आपका कंसेप्चुअल नॉलेज इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि आप ये एग्जाम जो है JEE का एग्जाम क्लियर कर पाओ। यानी कि कहीं ना कहीं फिर से क्या आ गया, बेस, और बेस कहाँ से मिलेगा, कंसेप्चुअल नॉलेज से। तो यानी कि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए 11th स्टैंडर्ड के लिए, ट्राई टू लर्न द कंसेप्ट जितना हो सके बच्चा, कि आपका जो 11th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट है आपके करियर के गोल के हिसाब से आपको उस हिसाब से कंसेप्ट क्लियर करना है। जैसे कि आपको श्योर हो गया है कि आपको इंजीनियरिंग ही करना है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन विल बी, आपको फ्यूचर में इंजीनियरिंग ही करना है कैसे भी करके, यानी कि आपको बायोलॉजी के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ो बायोलॉजी, बस हो गया। अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट भी है, जैसे मेरा था, मेरा श्योर था कि मेरे को इंजीनियरिंग ही करना है, लेकिन मैंने फिर भी बायोलॉजी लेके चला, मतलब PCMB जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी होता है ना, वो चारों सब्जेक्ट चूज करके ही मैं आगे बढ़ा, क्योंकि मैं सोचा अगर बाई चांस मूड चेंज हुआ तो हम कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा हमारे पास ऑप्शन होगा। लेकिन मैं श्योर था कि इंजीनियरिंग करना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे ज़्यादा फोकस था, बायोलॉजी सिर्फ नाम के लिए पढ़ता था कि जस्ट पासिंग मार्क्स भी आ जाए या फिर थोड़े से ठीक ठाक मार्क्स आ जाए चलेगा। और एक चीज़ मैं हमेशा बताऊंगा, आप लोग 11th स्टैंडर्ड में जो मार्क्स बोलते हो ना, मार्क्स डजंट मैटर, आप सिर्फ पास हो जाओ, 60% 70% भी लेके आ जाओ, कोई परेशानी नहीं है, मार्क्स कम आएंगे 11th स्टैंडर्ड में चलेगा, लेकिन आपका कंसेप्ट ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए एज कम्पेयर टू द टॉपर। यानी कि अगर टॉपर है कोई जिसके 90% मार्क्स आ रहे 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन वो रट्टा लगा के पास हुआ है, और आपके 60% भी मार्क्स आए हैं, लेकिन आपको पूरा कंसेप्ट पता है, बेस पता है, और आपको JEE के हिसाब से उसका फाउंडेशन आपने क्रिएट किया और पढ़ाई की है, तो डेफिनेटली आप उससे ज़्यादा स्मार्ट हो और आप उससे ज़्यादा सक्सेसफुल होगे फ्यूचर में। ये मेरी बात याद रखना, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, मैं आज नहीं दूंगा, कभी और दूंगा फ्यूचर में, JR टॉक्स पे कभी बात करेंगे सेकंड चैनल पे, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है, वापस से एक छोटा सा मैं रिवाइज करूंगा, साइंस स्ट्रीम के लिए है ये, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चार सब्जेक्ट होते हैं, 11th स्टैंडर्ड बेस, इसीलिए आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो आपके करियर को सोच के पढ़ने हैं, फाउंडेशन को सोच के करने हैं, और कंसेप्चुअल नॉलेज को जितना हो सके उतना आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट बात, जैसे कि आपको अगर डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, BHMS MBBS, तो वो सभी के लिए दोस्तों आप जानते हो कि आपको नीट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और नीट एग्जाम के लिए आपको बायोलॉजी पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बिल्कुल ना पढ़ो, पढ़ो थोड़ा सा कम पढ़ो एज कम्पेयर टू बायो, बायो थोड़ा ज़्यादा पढ़ो, तो इस हिसाब से आपको क्लियर कंसेप्ट जो है पता चलेगा। अभी तो बहुत शुरुआत है, बेसिक चीज़ है, और 11th स्टैंडर्ड में आप जब कॉलेज में जाओगे, हो सकता है आपके स्कूल कॉलेज स्टार्ट हो गए होंगे, अगर आप स्टार्ट हो गए होंगे तो बहुत सारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको यही सब ज्ञान मिलेगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस से आया है, वो मैं आपको ऐसे पहले ही बता दूँ, ताकि आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाओ। 11th स्टैंडर्ड में लोग घबरा जाते हैं, और एक और गलती करते हैं बच्चे लोग, 11th स्टैंडर्ड में मजा बहुत मारते हैं, जैसे मैंने भी मारा था, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में बच्चे सोचते हैं, यार अभी तो 10वीं का बोर्ड एग्जाम खत्म करके आया, अभी तो मजे मजे है लाइफ में, 11th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, कॉलेज है, दोस्तों हैं, यहाँ पे घूमना है, खाना है, पीना है, एंजॉय करना है, 11th स्टैंडर्ड कौन पढ़ता है यार, पास हो जाएंगे सिर्फ, फिर आराम से 12th में पढ़ेंगे। ये गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बोला, आपका जो फाउंडेशन बिल्ड होगा, आप जानते हो ना, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले बहुत ही गहरा खड्डा करना पड़ता है, बहुत ही गहराई तक खड्डा करना पड़ता है, उसमें फाउंडेशन मतलब पिलर्स डालने पड़ते हैं, एक बेस तैयार होता है, तो अगर वो बेस ही तैयार नहीं होगा, उसके ऊपर आप कितने भी माले का बिल्डिंग बना लो, बेस मजबूत नहीं है तो वो कोलैप्स कर जाएगा, वो गिर जाएगा। सेम इसी प्रकार 11th स्टैंडर्ड में आपने अगर अपना फाउंडेशन बिल्डअप नहीं किया है, आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है, तो भले ही आप मजा मस्ती मार के 12th स्टैंडर्ड तक पहुंच जाओ, कैसे भी करके पास हो जाओगे, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में ऐसे ऐसे टॉपिक्स आएंगे, आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो रहा है। 11th स्टैंडर्ड में आपका 12th स्टैंडर्ड में जब मैथ्स में जाओगे तो डिफरेंशिएशन आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, आप बोलोगे कि सर ये इंटीग्रेशन, डेरिवेशन क्या होता है, ये इतनी सारी चीज़ें, इतने कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, बच्चे लोग को नोटिस किया है, 11th स्टैंडर्ड में कुछ नहीं पढ़ते हैं, 12th स्टैंडर्ड में आके बोलते हैं बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, और बहुत सारे लोग तो छोड़ देते हैं पढ़ाई करना, बोलते हैं बहुत हार्ड है, हमसे नहीं होगा, हैं छोड़ के कॉमर्स ले लेते हैं। गलती मत करना, यू आर स्मार्टर देन अदर पीपल, आप JR ट्यूटोरियल्स पे हो, टेंशन नहीं लेना है। और आप जब 12th में जाओगे, 12th तक जाते जाते आप हम लोग का 12th स्टैंडर्ड भी स्टार्ट हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, 11th स्टैंडर्ड तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पता होगा 11th स्टैंडर्ड के लिए हमारे सब सब्जेक्ट के वीडियोस आ रहे हैं। आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स के लिए प्रदीप सर है, प्रदीप गिरी सर है, वो वीडियोस डाल रहे होंगे, केमिस्ट्री के भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और बीच बीच में मैं भी लूंगा कुछ पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, साथ में मैथमेटिक्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, आई गेस 2 या 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए, आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यूअसली मिलेगा।
बायोलॉजी हमने बहुत पहले स्टार्ट किया हुआ था, उसके बहुत सारे वीडियोस पहले से ही प्रेजेंट है, प्लेलिस्ट आप चेक करते रहो, आपको पता चल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब पढ़ाई कर सकते हो आप लोग, और आने वाले टाइम में और थोड़ा सा फ्लुएंसी के साथ और थोड़ा रेगुलर पैटर्न में हम लोग शुरुआत करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ क्या क्लियर हुआ, आपका फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, इलेवंथ में हो सके जितना अच्छे से पढ़ाई कर सको पढ़ाई करो, लेकिन कंसेप्ट वाला पढ़ाई, रट्टा वाला नहीं कि जस्ट पास होने के लिए पढ़ना है, कंसेप्ट वाला, तभी आपका ट्वेल्थ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ट्वेल्थ में आते आते आपको ऐसा लगेगा कि यस इट इज़ वेरी इजी, एंड उसके बाद तभी आप लोग नीट के लिए और JEE के लिए अलग से प्रिपेरेशन कर पाओगे, क्योंकि बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इलेवंथ स्टैंडर्ड से शुरू हो जाते हैं, गलती मत करना। इलेवंथ स्टैंडर्ड में आप जो सिलेबस आपका है महाराष्ट्र बोर्ड का, सिर्फ उतना भी फोकस करोगे और कंसेप्ट और फाउंडेशन क्लियर कर लोगे ना, ट्वेल्थ में आने के बाद फिर नीट और JEE स्टार्ट करो दोस्तों। तो ट्वेल्थ भी साथ में प्रिपेयर होगा और JEE नीट भी साथ में प्रिपेयर होगा, क्योंकि आपने फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखा था। तो ये करोगे डेफिनेटली वर्कआउट होगा और बहुत अच्छे से मार्क्स भी लेके आ जाओगे ट्वेल्थ में, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, एक एवरेज मार्क्स भी लेके आओ चलेगा, लेकिन आपका श्योर है कि आपको नीट करना है JEE करना है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा नॉर्मल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कि क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे SMP पे। SMP यानी कि जैसे मैंने बोला कि हमारा स्टडी मास्टर प्लान, किस हिसाब से आपको स्टडी करना है, थोड़ा सा मैं आपको एक गाइडेंस और एक छोटा सा टाइम टेबल के हिसाब से मैं देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो क्या है हमारा SMP यानी कि स्टडी मास्टर प्लान जो है हमारा एग्जैक्टली क्या है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी बच्चा होगा, कॉलेज जाता होगा, स्कूल जाता होगा, लेकिन उसके पहले एक टाइम होता है जिसको हम लोग अर्ली मॉर्निंग टाइम बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग फेज बोलते हैं। तो कोई भी बच्चा है नॉर्मल तौर पे, ये मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इलेवंथ को बोल रहा हूँ, ये हर एक को बोलता हूँ, लेकिन आप लोग के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप थोड़े बड़े हो गए, अभी इलेवंथ में आ गए, तो आप एटलीस्ट दोस्तों 5 बजे तो उठ ही सकते हो मॉर्निंग में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रेगुलर उठो, एटलीस्ट हफ्ते में ट्राई करो 3 से 4 बार, ठीक है ना, बाकी संडे के दिन तो सोओगे, मुझे पता है आराम करोगे। तो 5 बजे उठने की आदत डालो, और 5 बजे जब उठोगे तो कम से कम ट्राई करो फ्रेश वगैरह होने के बाद थोड़ा टाइम ले लो, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा टाइम ले लो, फ्रेश वगैरह हो जाओ, कुछ खा लो चाहिए तो, भूख लग रही है तो, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट आपको 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर बहुत सारे कॉलेजेस जो होते हैं वो सुबह 7 बजे ही ओपन हो जाते हैं, तो हम 2 घंटा कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये आप लोग के ऊपर है, अगर आप 2 घंटा करना चाहते हो 2 घंटा करो, अगर आपका तुरंत 7 बजे कॉलेज है तो आप इसको कट करके 1 घंटा कर सकते हो, लेकिन वो 1 घंटा बाद में बढ़ा देंगे, वो आप कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट टारगेट रखो कि डेढ़ से दो घंटा आप लोग मॉर्निंग में उठ के पढ़ने का हैबिट डालो। पढ़ना मतलब मेमोराइज करना, दैट इज याद करना, किसी भी चीज़ को हम लोग याद करते हैं, आपको पता है ना, लर्न करना, नॉट रीडिंग, इट इज़ अबाउट लर्निंग, हम लोग याद करते हैं कोई चीज़ को, रट्टा लगाना नहीं है, कंसेप्ट समझ के याद करना है, ठीक है। रट्टा लगाना मतलब आँख बंद करके नींद में ही रट्टा लगा 2 1 2 2 2 4 ऐसा वाला नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको कंसेप्ट पढ़ना है सबसे पहले, उसको समझना है, और उसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वीडियोज़ देख सकते हो, हेल्पफुल होंगे आपको कंसेप्ट समझने के लिए। हमारे प्रदीप सर भी आपको रेगुलर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उसका भी आपको कंसेप्ट समझ में आता होगा, हम भी रेगुलर वीडियोज़ पढ़ा रहे हैं आप बाकी सब्जेक्ट्स का, उसका भी आपको समझ में आता होगा। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि आप वीडियोज़ देख लो, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और वीडियोज़ देखने के बाद आप ये तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट का अल्टरनेट डे पे, जैसे मंडे को फिजिक्स ले लिया, ट्यूसडे को केमिस्ट्री ले लिया, वेडनेसडे को बायो ले लिया, ऐसे अल्टरनेट डे पे एक एक सब्जेक्ट चूज करके एटलीस्ट 2-2 घंटा पढ़ोगे तो आपका बहुत सारे सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे लास्ट में लोड नहीं आएगा, लास्ट के एग्जाम बच्चे का 5 दिन पहले पढ़ाई शुरू करोगे बहुत लोड आ जाएगा और आप बहुत परेशान हो जाओगे। मेरी बात याद रखना, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। रेगुलर पढ़ो, 2 घंटा 1.5 घंटा पढ़ो सुबह उठ के, बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ये हो गया हमारा अर्ली मॉर्निंग का फेज, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, आप चले जाओगे कॉलेज, हो सकता है आपका कॉलेज 7 बजे हो 8 बजे हो, जो भी आपका टाइमिंग है कॉलेज चले जाओ, आराम करो, कॉलेज में जाके थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करो, जितना हो सके थोड़ा मजा करना है मजा कर लो, दोस्तों से मिलना है दोस्तों से मिल लो, उसके बाद आओगे, आने के बाद फ्रेश हो लो, TV देख लो, जो करना है करो, लेकिन उसके बाद आपका एक आफ्टरनून का सेशन होना चाहिए पढ़ाई का, जो कि है दोस्तों स्पेशली मैंने बनाया होमवर्क के लिए। क्यों होमवर्क के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में होमवर्क भी प्रोवाइड किया जाता है, अच्छी बात है। तो होमवर्क आपका जो भी रहेगा उसको टारगेट रखो कि 1 आवर में एटलीस्ट आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए। टारगेट ये रहना चाहिए कि 1 घंटे में कितना भी छोटा कितना भी बड़ा होमवर्क हो, 1 घंटे में आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने जैसे ही होमवर्क कंप्लीट कर दिया 1 घंटे में, फिर आपका जो 1 घंटा और टाइम मिलेगा उसके बाद आपको मैथ्स को प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? मैथ्स को प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके मैथ्स को प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैथ्स के लिए आपको टाइम कम मिलेगा। मैथ्स 1 घंटा भी आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 4 एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो जितना हो सके मैथ्स का प्रैक्टिस करो, और मैथ्स के वीडियोस भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम में और कंसिस्टेंटली हम डालने वाले हैं तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियोस आपको मैथ्स के मिल जाएंगे कंटिन्यूअसली, और उसमें आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। तो 2 घंटे का ऊपर हो गया हमारा, 2 आवर्स का ये हो गया, 1 आवर ये, 1 आवर है, यानी कि ये भी 2 आवर्स हो गया,
ठीक है, टोटल 4 घंटा यहाँ पे हो गए। एंड उसके बाद आ जाएगा आपका इवनिंग का टाइम, ठीक है ना, आफ्टरनून कंप्लीट करने के बाद आपका एक इवनिंग का टाइम आ जाएगा, या फिर नाइट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इवनिंग भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, नाइट के जगह पे आप इवनिंग लिख सकते हो, ठीक है। तो इवनिंग में सबसे पहले आप ये आफ्टरनून का जब सेशन कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप खाना खा लो, टीवी देख लो, गेम्स खेलना है गेम्स खेल लो, आउटडोर गेम्स खेल लो, जो भी आप करना चाहते हो, फ्रेंड्स के पास जाना चाहते हो जाके आओ, लेकिन जैसे नाइट हो जाएगा या फिर इवनिंग हो जाएगा, तो एटलीस्ट 7 या 8 बजे से आप वापस से 2 घंटा स्टडी कर सकते हो, प्योर स्टडी। प्योर स्टडी यानी कि एकदम पढ़ाई करना है, कुछ नहीं, कुछ लिखना विखना नहीं है, मतलब होमवर्क वगैरह नहीं करना है, लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट जो होंगे वो पीसीबी होने चाहिए। क्यों पीसीबी? क्योंकि इसमें आपको लर्न करना होता है। मैथ्स में तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो दोपहर में आप कर सकते हो अच्छे से, 2 घंटे का 3 घंटा कर सकते हो, लेकिन ये शाम को आप ये कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैथ्स कम पड़ रहा है टाइम, तो यहाँ पे आप मैथ्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली आपको हेल्पफुल हो जाएगा। क्लियर है? ओके दोस्तों, तो ये था हमारा कुछ स्ट्रैटेजी, दैट इज स्टडी मास्टर प्लान। ये मैंने मेरे हिसाब से बताया है, लेकिन इसमें आप लोग अपना टाइम के हिसाब से और अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप लोग चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि कंफर्ट जोन जहाँ पे होता है वहाँ पे आराम ही होता है और वहाँ पे कुछ सक्सेस नहीं होता है। तो कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलो अगर आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, लॉन्ग टर्म गोल देखो, लॉन्ग टर्म विजुअल देखो। आप बोलोगे सर अभी तो 11th की शुरुआत हुई है यार, क्या इतना घाई है आप लोग को, लेकिन मैं घाई की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे बाद में पछताते हैं कि काश 1 साल पहले से प्रिपेयर किया होता, काश 6 महीने पहले से प्रिपेयर किया होता, और वो पछतावा मैंने देखा है दोस्तों बच्चों के अंदर। ये आप लोग ना करें तो वही बेहतर होगा। और आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे IIT NITs, कोई मैनेजमेंट में जाना चाहता तो IIM ऐसे ऐसे इसमें जाएं और नाम रोशन करें अपना, तो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो बस इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है दोस्तों मैं समाप्त करना चाहूँगा, जो कि था हमारा स्टडी पैटर्न मास्टर प्लान फॉर 11th स्टैंडर्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि यार थोड़ा तो हेल्पफुल रहा होगा जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बताया है। कुछ लोग फॉलो जरूर से करेंगे और डेफिनेटली फॉलो करके देखना, एटलीस्ट 10 से 15 दिन ट्राई करो, डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, जल्द मिलेंगे हमारे और भी ऐसे ही वीडियोस में, कंटिन्यूअसली आप देखते रहना। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है और जैसा भी लगा है, अपनी हॉनेस्ट रिव्यू हमें कमेंट करना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर करो, बताओ यार किस हिसाब से आपको प्रिपेरेशन स्ट्रैटेजी करना चाहिए, तो सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करो। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।